हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से एडोब फोटोशॉप में पासपोर्ट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस नए वीडियो में पासपोर्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पर फोटोशॉप को डबल क्लिक करके फोटोशॉप शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन हो गया है। इसके बाद सबसे पहले फाइल में जाके इमेज को ओपन करते हैं। इस तरह से इमेज ओपन हो गई। इमेज ओपन होने के बाद उसको अच्छे से क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग करने के लिए क्रॉप टूल पर जा कर उसकी वेल्थ रखेंगे 1.2, उसकी हाइट रखेंगे 1.4 और उसका रिजोल्यूशन लगेंगे 300। इसके बाद क्रॉप टूल की मदद से फोटो को क्रॉप करते हैं। इस तरह से फोटो क्रॉप की जाती है। उसके बाद इंटर दबा के फोटो क्रॉप हो गई। क्रॉप होने के बाद कंट्रोल प्लस से इमेज बड़ी करेंगे और कंट्रोल माइनस से इमेज छोटी करेंगे। इसके बाद कंट्रोल एम से फोटो लाइट या डार्क कर सकते हैं। इस तरह से उसे ओके करेंगे। उसके बाद इमेज को नए पेज पर शिफ्ट करेंगे, इसलिए कंट्रोल एन प्रेस करके प्रीसेट फोटो में उसकी साइज लेंगे 4x6, उसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इमेज में जाकर कैनवास रोटेशन में 90 का ऑप्शन इस्तेमाल करके उसे मूव टूल से इमेज को नए पेज पर लाते हैं। इसके बाद फोटो सिलेक्ट करके उसे मूव टूल से ऊपर बराबर रख देते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इमेज सिलेक्ट करके अल्टर एरो प्रेस करके उसे डबल करते हैं। फिर से अल्टर एरो की मदद से और बढ़ाते हैं। इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करके उसे एक लेयर में लाते हैं। उसके बाद अल्टर एरो की मदद से नीचे लेते हैं। उसी तरह से जितने पासपोर्ट चाहे उतने हम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से वो तैयार हो गई। फिर से कंट्रोल ई प्रेस करके लेयर एक जगह लाते हैं। उस वक्त कंट्रोल टी करके उसे अच्छे से फ्रेम में सेट करते हैं। बाद में इसे अच्छा स्ट्रोक देने के लिए लेयर में जाके स्ट्रोक ऑप्शन से कलर ब्लैक लेते हैं और उसे ओके करते हैं। उसकी साइज रखते हैं 3। ये स्ट्रोक आ गया। जिस फोल्डर में फ़ोटो सेव करनी है इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से JPG फॉर्मेट में उसे फाइल नेम देके सेव करते हैं। फ़ोटो सेव हो गई, पासपोर्ट पूरी तरह से बन गई। थैंक यू।